की शुरुआत होती है और हम एक 15 साल की सारा नाम की लड़की को देखते हैं। तभी पीछे से एक आदमी आके उसे छूने लगता है। वो उसे रोकती है, फिर वो आदमी उसे पैसे ऑफर करता है पर वो मना कर देती है, जिससे वो आदमी उस पर गुस्सा करता है। तभी सारा की मम्मा आ जाती हैं और उस आदमी के साथ फाइट करने लगती हैं, तो सारा वहाँ से भाग के बाहर चली जाती है और एक ब्लेड लेके अपने पैरों पर घाव करने लगती है। दरअसल सारा की मॉम एक प्रोस्टिट्यूट है और आदमी उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड होता है, और वो जितनी बार ऐसे अब्यूज होती है तो अपने आप को सज़ा देती है, क्योंकि ये सब उसके साथ हमेशा होता रहा है। तभी हमें स्क्रीन पे एक मैसेज शो होता है जहाँ लिखा होता है, हर साल 3 लाख से ज़्यादा बच्चे विक्टिम्स बनते हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के। रात को उसकी मॉम चुपके से उसके पास आती हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे एक होटल पर जाके रुकते हैं, जहाँ उसकी मॉम उससे कहती हैं, तुम 45 मिनट के लिए बाहर जाके रुको, यहाँ 2 क्लाइंट्स आ रहे हैं, और वो बाहर जाके बैठ जाती है। फिर वहाँ उसकी मॉम के क्लाइंट्स आते हैं जो उसी को देख रहे होते हैं। अगली सुबह वो दोनों एक आदमी से मिलने जाते हैं। दरअसल वो यहाँ रूम रेंट पे लेने आते हैं, पर सारा को वो रूम पसंद नहीं आता, जिससे वो वहाँ बदतमीजी से बात करती है, तो उसकी मॉम उसे इशारे से बाहर भेज देती है। फिर उसकी मॉम की उस आदमी के साथ बात होती है। फिर सारा जब स्विम कर रही होती है तो एक लड़का उसे चुपके से देख रहा होता है, पर सारा उसे देख लेती है और पुकार लगा के बुलाती है और पूछती है, शो कैसा लगा। फिर उनमें बात होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो उस आदमी का बेटा जैमी है। रात को जब सब लोग चिल कर रहे होते हैं तो सारा के पास जैमी आता है, जहाँ सारा उससे बियर मांगती है पर जैमी मना कर देता है। पर सारा उसके हाथ से बोतल लेके पीने लगती है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है। फिर सारा की मॉम उसे बुलाती है और वो चली जाती है। अगले दिन सारा अपनी मॉम के साथ जाती है और उसे कहती है, तुम कार में ही रुको, मैं 3 घंटे में आई। और जब उसकी मॉम अंदर जाती हैं तो वो आदमी उससे पूछता है, वो लड़की कौन है तुम्हारे साथ, तो वो बताती है, वो मेरी बेटी है, उसके बारे में सोचना भी मत। आगे हम सारा को बाहर बैठा देखते हैं। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें कुछ लड़कियाँ होती हैं, जो सारा को देख वहाँ से भाग जाती हैं। फिर रात हो जाती है और उसकी मॉम वहाँ आती हैं और वो दोनों कार लेके निकल जाते हैं। तभी सारा कहती है, आप में से सुअर की जैसी स्मेल आ रही है, तो उसकी मॉम उसे पीटने लगती हैं। फिर वो लोग खाना लेके एक जगह रुकते हैं। तब उसकी मॉम उसे कहती हैं कि उस आदमी ने मेरे सिर पर गलती से चोट लगा दी। फिर उसे समझाते हुए कहती हैं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, तुम लकी हो, तुम्हें ये सब सीखने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने जब भी शुरू किया था तो मुझे इसे सीखने में बहुत टाइम लग गया था। सारा घर से घूमने के लिए निकलती है तो वहाँ जैमी आ जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, और वो उसके साथ चली जाती है और वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। जब रात को सारा सो रही होती है तो उसकी मॉम उसे जगाती हैं और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं। अगले दिन उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाती हैं और उसे कहती हैं, तुम्हें जो करना है वो ही करना, वो आदमी 45 मिनट के लिए पे करेगा पर तुम हमारे 1 हफ्ते का रेंट पे करोगी। फिर वो उसे लेके एक आदमी के पास जाती है और वो आदमी उसकी मॉम को पैसे देता है और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर सारा उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। रात को जब सारा अकेली बैठी होती है तो वहाँ जैमी आता है और उनमें बात होती है, जहाँ सारा अपनी मॉम की तारीफ करती है। फिर बातों ही बातों में जैमी उसे किस करने लगता है, पर सारा वहाँ से खड़ी हो जाती है, उसके बैठ जाती है, तो जैमी कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। पर एक दिन जब सारा नहा रही होती है तभी जैमी के डैड अचानक बाथरूम में आ जाते हैं। वो बहुत नशे में होते हैं और सारा को अब्यूज़ करने लगते हैं, और सारा की मॉम बाहर खड़ी देख रही होती हैं। तभी वहाँ जैमी आ जाता है और सारा की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर जैमी अंदर चला जाता है और अपने डैड को पीटने लगता है। फिर जैमी सारा को लेकर एक होटल पर चला जाता है और सारा वॉशरूम में जाके खुद के पैरों पर ब्लेड चलाती है। अगले दिन जब दोनों साथ में होते हैं तो सारा जैमी से पूछती है, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, हम क्या करेंगे। तो जैमी कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वापस वहाँ नहीं जाएंगे, मेरे पास एक प्लान है। फिर वो उसे लेके एक बार में जाता है जहाँ वो दोनों जॉब करने लगते हैं। पर एक दिन एक आदमी सारा को छूता है, जिससे सारा उस पर गुस्सा हो जाती है और उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर वो रूम पर जाके अपने आप को ब्लेड से काट के सजा देती है। और फिर वहाँ जैमी आ जाता है जो उस पर गुस्सा होता है और कहता है, किसी ने तुम्हें छू लिया, उसमें क्या हो गया, और उसे काफ़ी सुना के वहाँ से चला जाता है। आगे हम जैमी को सारा की फ़ोटोज़ देख सारा को मिस करते देखते हैं, और सुबह सारा रूम से निकलती है, अपनी मॉम के पास जाती है, पर वो अपनी मॉम को जैमी के डैड के साथ देख वहाँ से चली जाती है। शाम तक वो इधर उधर भटकती है, पर तभी एक आदमी उसके पास आता है और पूछता है, कोई हेल्प चाहिए, तो कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो उसके साथ चली जाती है। आगे हम देखते हैं कुछ लोग जैमी को कार से फेंक के चले जाते हैं, जहाँ जैमी को बहुत पीटा गया होता है। और सुबह जैमी अपने घर जाता है और सारा
अपनी मॉम के ओल्ड बॉयफ्रेंड के घर जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता, तो वो उसका वेट करती है। जब वो आता है तो सारा कहती है, पता है एक दिन तुमने मुझे $100 का ऑफ़र दिया था। तो वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो सारा कहती है, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। फिर वो सारा के साथ इंटीमेट होता है और बदले में सारा को उसके घर रहने देता है। फिर सारा अपने लैपटॉप में एक प्रोस्टिट्यूट की ऐड देखती है, तो वो वहाँ ज्वाइन होने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उसे अपने साथ काम पे रख लेते हैं और सारा की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। जैमी अपने डैड के रूम में जाता है और वहाँ से कुछ पैसे चुरा रहा होता है, तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वो वहाँ से लैपटॉप, पैसे और उनकी कार लेके भाग जाता है। आगे हम देखते हैं सारा अपना काम कर रही होती है, पर एक दिन जब वो घर पे होती है तो वो आदमी उसे स्मोकिंग करने की वजह से पीटने लगता है, तो वो अपने एक दोस्त के पास चली जाती है जो उसके साथ काम कर रही होती है। फिर जैमी सारा की एड अपने मोबाइल में देखता है, तो वो वहाँ कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने दोस्त के साथ एक क्लाइंट के पास जाती है, जहां वो $500 पर घंटे की दे रहा था। पर जब वो वहां जाते हैं तो वो आदमी उनको बांध के बहुत टॉर्चर करता है, और जब वो ये बात अपने बॉस को बताती है तो उसे एक डायमंड रिंग देके कहती है, $1,000 की रिंग है जो उस आदमी ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। एक दिन जब वो क्लाइंट का वेट कर रही होती है तो वहाँ जैमी आता है और उसे मनाने लगता है, पर सारा उसके साथ जाने से मना कर देती है, पर जैमी अपनी बातों से उसे मना लेता है। आगे हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कार में ही रहते हैं, पर एक दिन पैसे खत्म हो जाते हैं तो सारा अपनी वो रिंग जैमी को देख के बेचने को कहती है, पर जैमी को पता चल जाता है कि ये रिंग नकली है। फिर वो अपनी गन लेके वहाँ पैसे लेने जाता है और सारा उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है। वो उसकी बात नहीं सुनता और अंदर जाके सारा की बॉस पे गन तान देता है। तभी वहाँ उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं और जैमी को मार देते हैं, जिससे सारा बहुत टूट जाती है। आगे हम सारा को अपनी मॉम के साथ देखते हैं और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।